मैं यति वर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में गुरु के राशि परिवर्तन करके मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने से आपकी धनु राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, यह मैं धनु राशि के पुरुष और धनु राशि के महिलाओं के लिए अलग अलग बताऊंगा। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको आपके लिए एक या दो उपाय भी बताऊंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि धनु है तो आपको मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपको आपकी राशि पर गुरु के राशि परिवर्तन से क्या असर होगा यह पता चल जाएगा। यह अप्रैल महीना है और इस साल का जो अप्रैल महीना है यह काफी खास महीना बन गया है, क्योंकि इस अप्रैल महीने में 5 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। इस महीने में बुध ग्रह 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे तो चंद्रमा का लगातार सभी 12 राशियों में गोचर 12 महीना चलता रहेगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करने वाला है। तो महीने के शुरू में 1 अप्रैल को गुरुवार के दिन मध्य रात्रि को 12:33 पर बुध ग्रह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे और दूसरी बार बुध 16 अप्रैल शुक्रवार को रात 8:49 पर अपनी नीच की मीन राशि में निकलकर मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा शुक्र जो है 10 अप्रैल शनिवार को सुबह 6:14 पर अपने उच्च की मीन राशि को छोड़कर मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य दिनांक 13 अप्रैल मंगलवार को दोपहर 2:32 पर मीन राशि से निकलकर मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे और इस राशि में उच्च का फल प्रदान करते हैं, क्योंकि मेष राशि में सूर्य जो है उच्च के होते हैं। मंगल ग्रह भी अप्रैल महीने में अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और दिनांक 13 और 14 अप्रैल की मध्य रात्रि में रात को 1:16 पर वृषभ राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार से गुरु ग्रह जो है वह 6 अप्रैल को शाम 6 बजे मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 सितंबर को वक्री होकर के फिर से मकर राशि में आ जाएंगे और उसके बाद में 20 नवंबर तक जो है गुरु शनि के साथ में मकर राशि में गोचर करते रहेंगे और 20 नवंबर के बाद से गुरु जो है मार्गी होकर के वापस कुंभ राशि में आएंगे और जो अपना बाकी का गोचर है वह कुंभ राशि में ही बिताएंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए गुरु लग्न और पंचम स्थान का स्वामी है और आपके तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान में अब गोचर हो रहा है, जो कि आपके लिए मेहनत करने का और फिर सफलता पाने का संकेत दे रहा है। इस समय में नया बिजनेस करना हो या कोई नया इन्वेस्टमेंट करना हो तो सोच विचार करके ही करें। अगर पहले से लाभ हानि देख कर समझ लिया और फिर कोई काम किया तो आपको हानि नहीं होगी। नौकरी पैसा वालों के लिए इस समय में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा। पारिवारिक स्थिति अनुकूलता वाली रहने वाली है। संतान पक्ष के लाभ से आपका जो जीवन है वह प्रभावित होगा और सुखद व अनुकूल बनेगा। सामाजिक कार्यों में आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस गुरु गोचर के समय में आपको अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा और हमेशा चौकस और होशियार रहना पड़ेगा। तीसरे स्थान में बैठे गुरु की नौमी जो दृष्टि है वह भाग्य स्थान पर रहने से आपका भाग्य काफी साथ देगा। हर मुश्किल समय में आप महसूस करेंगे कि आपके काम आपकी मेहनत से बन रहे हैं और इसके अलावा भी आपको भाग्य का सहारा भी मिल रहा है और आपके जो काम है वह भाग्य के सहारे से भी जो मुश्किल होते हैं वह भी थोड़े आसानी से बनते चले जा रहे हैं। गुरु की पांचवी दृष्टि आपके सप्तम जीवन साथी स्थान पर रहेगी तो ये आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाली रहेगी। वैसे देखा जाए तो कुछ कुछ क्लेश आपके दाम्पत्य जीवन में उभर सकते हैं, लेकिन आप अगर धैर्य से और समझदारी से काम लेंगे तो आसानी से मामले जो है दाम्पत्य जीवन के पति पत्नी के आपस के मामले वह सुलझ भी जाएंगे और गुरु की जो नौमी दृष्टि है आपके लाभ स्थान पर होने के कारण व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी आदि में अनेक प्रकार से आपको लाभ देने वाली रहेगी। इस गोचर के दौरान आपकी आय में वृद्धि होगी, आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी, परिवार में भी वृद्धि होगी, जैसे संतान उत्पन्न होना, शादी विवाह होना या अन्य प्रकार से, और आपका जो भाग्य है वह भी इस गोचर के दौरान आपका जब पूरा पूरा साथ देगा तो आपको थोड़ा सा सही दिशा में मेहनत करना है और आपको उस मेहनत का जो लाभ है वह
पूरा पूरा कुछ मेहनत से और कुछ भाग्य से मिल जाएगा। अब मैं जो धनुराशि की महिलाएं हैं उनके लिए भी बता देता हूं कि यह साल जो गुरु का गोचर का कुंभ राशि में है यह कैसा बीतेगा। धनुराशि की महिलाएं इस समय में अपने आप को खुश नसीब समझेगी और कई मामलों में ऐसा प्रतीत होगा भाग्य से अधिक आपको कुछ ज्यादा ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपकी वर्षों की मेहनत का फल इस गोचर के समय में मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगर आप किसी संबंध में बंधी है, किसी प्रेम संबंध में बंधी है, तो इस समय में आप अपने परिवार में जरूर चर्चा करें ताकि आपका जो प्रेम का रिश्ता है वह शादी आदि में बदल सके। आपको परिवार का साथ पूरा मिलेगा, लेकिन इस गोचर के कारण आपको शारीरिक तकलीफ का सामना भी करना पड़ेगा, अधिक मेहनत वाले काम करने से बचना पड़ेगा। कुछ पारिवारिक संबंधों को निभाने के लिए और उनकी खुशी के लिए यात्राएं भी आपको करनी पड़ेगी। भाई बहनों से आपको साथ और सहयोग पूरा मिलेगा। तीसरे स्थान में बैठे गुरु की जो सातवीं दृष्टि है आपके भाग्य स्थान पर रहेगी, इसलिए आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा और आपकी आय में इस समय में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि गुरु की जो नौवीं दृष्टि है वो आपके लाभ स्थान पर भी रहेगी। आपको इस गोचर के दौरान धार्मिक समारोह आदि में शामिल होने का मौका मिलेगा और आपके परिवार में इस गोचर के दौरान कोई न कोई शुभ मांगलिक उत्सव जरूर होने का ऐसा योग बनेगा, जैसे कि शादी है या संतान का जन्म लेना है। इस प्रकार के जो शुभ काम होंगे वह आपके घर में होने के योग है, चाहे नए मकान में प्रवेश करो, चाहे वाहन नया लो, यानी कि जो भी घर में खुशी होगी वो कुछ नए के कारण होगी, नई वस्तु या नए इंसान परिवार के सदस्य के कारण होगी। और इस गोचर का आप बिल्कुल समझदारी से धैर्य से इसका लाभ उठाएं, यह गोचर आपके लिए अच्छा फल देने वाला रहने वाला है। अब मैं जो धनुराशि के लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि उनके लिए यह आने वाला साल कैसा बीतने वाला है। यह साल जो है गुरु की राशि परिवर्तन करने की 6 अप्रैल 2021 से शुरुआत हो रहा है और गुरु लगभग 12 महीना से 13 महीना तक किसी एक राशि में रहता है, इसलिए मैं ये साल कैसा बीतेगा ये शब्द का प्रयोग करता हूँ गुरु के गोचर के 12 महीने के लिए। धनु राशि के जातक राजनीति में ऐसे ही सफल नहीं होंगे, उनको किसी प्रयास किसी के साथ मिलकर या किसी का सहयोग लेकर थोड़ा सा प्रयास अधिक करना पड़ेगा और इस गोचर के कारण काफी आपको इधर की उधर की यात्राएं या बेकार के दौड़ भाग या भ्रमण आदि करने पड़ेंगे। आपको सफलता पाने के लिए और दूसरे लोगों पर निर्भर भी रहना पड़ेगा। चुनावी संग्राम में आपको बराबर बराबर परिणाम मिलने की ज्यादा संभावना है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो जीत का प्रतिशत और हार का प्रतिशत बिल्कुल आपके मार्जिन पर रहेगा, दोनों बराबर बराबर रहेंगे, इसलिए आप चुनाव आदि लड़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा उस पर ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा जीतने के लिए आप प्रयास करें तो गुरु आपको लाभ दे देगा। चुनावी संग्राम में भी आपको जैसे बताया बराबर रहेगा, लेकिन अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भी आपको कुछ न कुछ नया जिम्मेदारी पावर पद आदि प्राप्त होने का योग है। कोई लोक हित के पद पर आपको नियुक्ति की संभावना भी इस साल में ज्यादा प्रबल बन रही है। कोई लोक हित के पद पर आप नियुक्त किए जा सकते हैं और आपको फिर से वह पद छोड़ना भी पड़ जाए इस प्रकार के योग भी वापस बनेंगे, इसलिए स्थायी कामयाबी के लिए आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर सलाह लेनी पड़ेगी कि आपको कि आपकी कुंडली में मंगल और गुरु की कैसी स्थिति है और उनकी सलाह से अगर कोई आप उपाय करेंगे काम करेंगे तो आपको इस गोचर से भारी सफलता भी मिलने का योग जोरदार या प्रबल रहेगा। मैं आज के वीडियो में जो गुरु के राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ा यह मैंने आपको बताया है। मैं आपको अब एक या दो उपाय ऐसे बता देता हूं कि अगर आप उसको करेंगे तो गुरु के गोचर का फल जो है आपको अच्छा और शुभ मिलेगा। जैसे कि आपकी धनु राशि है और आपकी राशि का स्वामी गुरु है और
अब आपके गुरु तीसरे पराक्रम स्थान में, भाई बहन स्थान में गोचर करके सप्तम स्थान को, नवम स्थान को और लाभ स्थान को देख रहा है। इसलिए आप जो है अपने गुरु की सेवा में रहें, केले के पेड़ की पूजा करें और अपने दाहिने हाथ में जो है एक हल्दी का पीले रंग का जो गांठ होती है, बिना टूटी हुई या मैं ये कहूँगा अखंड गांठ, छोटी सी लेकर के पीले कपड़े में बांधकर पीली डोरी में अपने दाहिनी भुजा पर बांध ले, तो गुरु की जो कृपा है इस साल में आप पर भरपूर बनी रहेगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, हस्त है, नीच का है, राहु केतु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, तो आप अपने कुंडली के अनुसार जो ग्रह है उनके अनुसार उपाय करना, ज्यादा लाभ रहेगा। और मेरे इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा धनु राशि के आपके मित्र परिवार के लोगों में आदि में शेयर भी करना, ताकि इस वीडियो का लाभ उठा सके आपके साथी मित्र वगैरह। और अगले वीडियो में मैं आपको मकर राशि पर गुरु के कुंभ राशि में गोचर करने से क्या प्रभाव पड़ेगा यह जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।